मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ऐसे गुड होती है? वकालत करने आए हो या कचहरी के गार्डन में घूमने? खुद को क्या बात समझ रखा है? एक बात सुन लो। अरे ये क्या 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 हुलिया बना रखा है? शर्ट निकली हुई है और यासीन को सीधा करो, नीचे करो, करो और नीचे करो, नीचे करो। और ये बाल का ये हाल, तेल नहीं लगाते? चमेली का तेल पता है, उसे लगाया करो। अरे क्या क्या कर रहा है? अरे भाग यहां से। अरे गॉगल है इसे, क्या तुमने कोई सुलभ शौचालय का आईना समझ रखा है? जाओ होलिये में जाके बाथरूम ठीक करो। अरे रुको सुनो, यहाँ इस कचहरी के अंदर कोई भी ऐसी ऐसी हरकत की तो नौकरी से निकाल दूंगा, कह देता हूँ। अब जाओ, मैं बोलूंगा तब आना। गुड मॉर्निंग। हेलो मैडम, त्वचा से आपकी उम्र का तो पता ही नहीं चलता, पर ये फीके रंग के कपड़े आपको सूट नहीं करते हैं। ब्राइट कलर्स पहनिए, हीरोइन लगेंगी। ठीक है। लिपस्टिक कुछ ज्यादा ग्लॉसी है, आजकल मैट का फैशन है, बिल्कुल प्रियंका लगेंगी। सही कहा उसने। डॉक्यूमेंट से कहना पिता को लेकर आए, ठीक है, मैं देख लूंगा। तू अपना उलिया ठीक करने गया था या उसका बड़ा लाडला बन रहा था? मैंने कहा था ना तुझसे, वो ऐसी ऐसी हरकत मत करना यहाँ पर। इस केस में कौन सी धारा लगती है? 32, 24, 36। क्या कहा? ऐसी तो कोई धारा ही नहीं है। तू क्या सोच के ये बता रहा है मुझे? कॉलेज में तो सिखाया था। ये पढ़ाई तूने की कहाँ से? तू मुझे ये बता कि तूने ये जो डिग्री ली है वो कहीं रिश्वत दे के तो नहीं ली? मुझे तो शक हो रहा है यार। यार तूने तो मुझे भी भटका दिया, कहीं गलत फाइल तो नहीं उठा के लाया? ओके। क्या क्या हुआ? क्या अभी मैं पढ़ रहा हूँ तू ओके ओके कर रहा है? मैंने कहा था कि अलाहाबाद जजमेंट की कॉपी रखनी है, रखी क्यों नहीं? सर यही तो वो कॉपी है। अच्छा यही है क्या? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तुम तो बड़े तेज हो यार, मुझे ऐसे ही जेले की जरूरत है। इम्प्रेस कर दिया यार तुमने मुझे आज के दिन। तुम ले आना अपने पापा को, मैं देख लूंगा उसको। मिस्ड कॉल देना। क्या तुमने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई? वो क्या होता है सर? इतना भी नहीं पता? देखो एफआईआर मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस स्टेशन में की हुई कंप्लेन की रजिस्टर कॉपी। शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो, इतनी सी बात भी नहीं पता? सारी बातें क्या हम लॉयर्स को ही समझानी पड़ेंगी? जाओ पहले पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर की कॉपी लेकर आओ। ठीक है साहब। प्रिया मेरी जान, तू ही मेरा जंबो वड़ा पाव है और मैं तेरा मिस्टर पाव हूँ। प्रिया अरे पूरा दिन बैठी क्या रहती है? हम सब के लिए चाय बना और साथ में पकौड़े। मेरी भी एक प्लेट। घर क्यों, क्या कर रहे हो? हम लोग काम वाली बाई को प्रिया समझकर उसे आई लव यू कह रहे हैं। और मेरी प्रिया को तुम लोग क्यों बोलोगे? हम लोग क्यों नहीं बोल सकते उसको? तूने अभी तक बोला नहीं, उसने भी कुछ कहा नहीं। पिच ओपन था, हमने अपनी गेंद फेंक दी और क्या। सड़े हुए अंपायर, प्रिया के नाम पर बाई के साथ आंखें तू सेक रहा था और बिल मुझ पे भर रहा है। हमारा प्यार आई लव यू का मोहताज नहीं है, बल्कि ऐसा पावरफुल नेटवर्क है जिसे हम जब चाहे जोड़ सकते हैं। एवरीथिंग दिख रहा, ये सिर्फ उसे ही पता चलेगा। ये बलून का क्या करेगा? चौपाटी पर ले जाकर बेचेगा शायद। यह है लव जी नेटवर्क, ये कोई नया स्टाइल है। मेरे दोस्त लड़की को गिफ्ट देके पटा, उन्हें फूलों का गुलदस्ता पसंद है, हीरो का हार पसंद है, चाइना का माल पसंद है, लेकिन इस फूले हुए फुग्गे का तू क्या करेगा? वो जो आज तक कोई नहीं कर पाया। अरे बोर हो रहा है, चैनल चेंज कर। नहीं यार मैं चेंज नहीं करूंगी, मुझे अवार्ड शो देखना है। ये मेरा टॉप है। ए कितना शोर मचाते हो तुम दोनों। कनेक्शन शुरू। पहुंचा पहुंचा, कनेक्टेड। अब तुझे क्या हुआ?
कुछ कुछ नहीं। पक्का पैसा भूल गया? एक्सक्यूज मी, आप ये दो कोल्ड ड्रिंक के पैसे भर देंगी? जाए ढर के इडियट। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ए, ये भी यहाँ है? पिछली बार तो इतना मजा आया था ना कि क्या बता? मौका तेरी तलाश में खुद चल कर आ रहा है। आज अपने दोनों हाथों से मौके को झपट लेना। मैं शर्मिला हूँ, तुझे पता है ना। मैं जाकर ट्राई करता हूँ तेरी परमिशन हो तो। और उसे पूछना सपने में आया था या नहीं। हाँ, मैं जाता हूँ, पक्का ना? अगर उसने ना कहा तो कहना आज रात को आऊंगा। अब जा बोल। काश सुहाग रात पर भी मुझे ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर भेजे। तो सुनो क्या हुआ? हाँ बता। उस रात को जब मैं वहाँ से निकली थी। सामो छो, इधर बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। सीट खाली है, बैठ जाता हूँ। आपको टॉयलेट लगी थी ना, आप जाइए ना, मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, जो कहना सामने कहो। कल रात को मेरा दोस्त आपके सपने में आया था क्या? नहीं, दिमाग पर जोर लगा कर याद करो। मेरा दोस्त सपनों का सौदागर है। वो जिसके सपने में आता है उसके दिल, पेट और दिमाग में गुदगुदी होती है। हुई? नहीं तो? ये ऐसे नहीं उगलेगी। सच सच बता ना, कुछ हुआ था? नहीं बिल्कुल नहीं। नो प्रॉब्लम, आज रात को मेरा दोस्त तुम्हारे सपने में जरूर आने वाला है, याद रखना। हाँ चलता हूँ। तो तुम मुझे मिलने कब आओगे? तुम्हारी रातें भी वीरान है क्या? लेकिन मेरे पास फुग्गा नहीं है तो ये लो। आजकल की लड़कियाँ पूरी तैयारी में निकलती है। चलो शुरू हो जाओ। अरे बस 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 बस, हट जाएगा। तो आज रात 10:30 बजे मुझे मिलने आना। बरसों बाद इस बंजर खेती पर कोई हल चलाने के लिए तैयार हुआ है। तुम्हारे यहाँ मिले या मेरे यहाँ? मेरे घर। तुम्हारे घर पर? लड़की खुद इनवाइट कर रही है, लाइफ बन गई। सर चाय लाया। हाँ तो टेबल पे रख। अरे मैं हूँ। सर सॉरी सॉरी। हो गई पढ़ाई? क्या उल्टा सीधा पढ़ रहे हो? प्रेम संबंध बर्बाद हो जाओगे ये सब पढ़ के। प्रेमचंद, प्रेमचंद। झूठ कह रहे हो, गंदी गंदी किताबें पढ़ रहे हो। डॉक्यूमेंट तो यहाँ पड़ा मेरे सामने। और तुम यहाँ बैठे थे ना? नहीं नहीं। ये किसकी चेयर है? ये चेयर मेरी है। भेजे में दिमाग है कि नहीं? हरकत की ऐसी तुम्हारा तो खबरदार, नौकरी को निकाल दूंगा तुझसे। देखो थोड़ा उल्टा बोल दिया है, मैं जाके आता हूँ, तब तक सीधा करके समझ लेना, ठीक है? और ये किताब जो है उसे घर मत ले जाना, यहीं छोड़ देना, ठीक है? मैं इसे नहीं पढ़ूंगा, कह देता हूँ। तुम भी मत पढ़ना, बर्बाद हो जाओगे। तो अब पढ़ो ना इसको। केस पेपर गया। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। लक्ष्मी नारायण जी से मिलना था। वो जरा मंदिर गए हैं, अभी आएंगे। आपकी तारीफ? मैं उनका सीनियर हूँ, क्यों उनका गुरु लगता नहीं हूँ क्या? नहीं ऐसा नहीं है। ये ब्लैक ब्यूटी कौन है? ये मेरे पार्टनर है। ये पहले की बात थी, अब से मैं तेरा कोई पार्टनर वाटा नहीं हूँ, समझा? मुझे तेरे मुंह नहीं लगना, चुप कर। इन्होंने पूछा इसलिए मैंने बोला। ये अपना सड़ा हुआ मुंह बंद कर। तू अपना मुंह बंद रख। अरे अरे अरे, सास बहू की तरह क्यों झगड़ रहे हो? झगड़ नहीं रहे भाई साहब, हम दोनों ने मिलकर 5,000 की एक जमीन खरीदी थी। अब इसका कहना है कि उस पे इसका नाम होना चाहिए, पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उस पे आधे पैसे मेरे भी लगे, तो मेरा नाम भी होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ अपनी बात मनवाने पे लगा है, और बात बात पे ये मुझे धमकियां भी देता रहता है। इसलिए हमने सोचा कि चलकर कोर्ट को बताते हैं, फैसला हो जाएगा। तो ये जो जमीन है कितने में खरीदी? 5,000 में खरीदी, बताया तो। और घर से यहाँ तक आने का भाड़ा कितना होता? आने का 50, 30, 40, अब सब मिला के 100 रुपया खर्च हो जाता है। एक बार आने का 100 रुपया, तो 15 बार आने जाने का 3,000 रुपया। वकील की फीस हो गई 4,000, कोर्ट के पेपर बनाने का खर्चा 2,000, टाइम खोटी होगा वो अलग। अब 5,000 की जमीन के लिए 9,000 रुपया खर्च करेंगे। जो केस जीतेगा उसे नाम ट्रांसफर के लिए भी खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन अगर मांडवली कर लो तो बचत ही बचत, फायदा आपका ही है। भाई साहब आपने बहुत अच्छी सलाह दी, आपकी बोली हुई हर बात मुझे समझ में आ गई है। हम चलते हैं, आपका धन्यवाद। नमस्ते। सलाम, नमस्ते। चल तू ही मेरा दोस्त है। चल तू मेरा दोस्त है। तूने आज बुद्धिमानी की बात की। यार अरे उसको झाड़ क्यों रहे हो? ठीक तो है, तो इस पर दोबारा तो नहीं बैठा ना? बिल्कुल नहीं। अच्छा कोई मुर्गा आया था? हाँ दो आए थे, उड़ गए। उड़ गए? हाँ, क्या मामूली सी जमीन के लिए झगड़ रहे थे। मैंने कहा इससे ज्यादा तो वकील की फीस है, तो चले गए। वकील की फीस ज्यादा होगी ये बता के भगा दिया। हाँ।
बड़ा अच्छा किया। अगर इसी तरह मेरी पोल खोलता रहा तो मुझे कोर्ट के आगे पकौड़े बेचने पड़ेंगे और तुझसे प्लेटें धुलवाऊंगा और खाने के लिए झूठे पकौड़े दूंगा। एक पकौड़े वाले का भी केस है। वकालत का बेड़ा गर्क करने की जरूरत नहीं है तुझे। तो जैसे चेले की मदद लेने के बजाय मैं अपना काम खुद कर लूंगा। कहाँ गया डॉक्यूमेंट? बाहर उतारी होगी। क्या चप्पल? चप्पल क्या कहा तूने? मैंने चप्पल मांगा क्या? दिमाग मत दौड़ाया कर वरना बिना किसी दफा के दफा कर दूंगा। घर आई लक्ष्मी को लौटा दिया चप्पल गंजू कहीं का। अरे वो देख शाहरुख खान मेरा फेवरेट हीरो है। टीवी का वॉल्यूम बढ़ाना। तुझे क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आजकल ये बहुत खोई खोई रह रही है। कनेक्शन शुरू। कनेक्टेड। घड़ी में टाइम दे, एक जल्दी जो सोता है जल्दी उठता है। रोज तो तू लेट सोता है ना, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है मैं जल्दी सो जाऊं। निकलो यहाँ से। हाँ? अरे ये क्या है? गुब्बारा? आहा, 10:30 बज गए। फुग्गा उसके हाथ में आया होगा। छी, ये क्या गंदी बदबू आ रही है? ओ, लगता है कहीं पर गटर खुल गया है। बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोई बचाओ, हटाओ इस बदबू। मैं उड़ जाऊंगा इस बदबू से, परेशान हो गया हूँ। अरे ये फूके वाला गेम नहीं खेलना, मुझे बर्बाद हो गया, ब्लास्ट हो गया। रेस्टोरेंट में तो बहुत अच्छी लग रही थी, न जाने पूरा दिन क्या चबाती है। पान की पिचकारी मारकर कत्थे जैसा हाल कर लिया। चूना लगा कर लड़के ने मुझे थूक डाला रे। लगता है किसी के ख्यालों में कोई पूरी रात सोया नहीं है। चुप कर, जो तू सोच रही है सब कुछ भी नहीं।